बीरबल छाजूराम गुर्जर उर्म 65 वर्ष ने 5 अप्रैल को साहूकार गोपाल मालपानी के घर के सामने आत्मदेह की धमकी देने से कोरपना शहर में सनसनी फैल गई है। कोरपना के रहने वाले बीरबल महाराज की अपंगता और अज्ञानता का फायदा उठाकर साहूकार गोपाल मालपानी द्वारा 2 एकड़ जमीन हड़पने की कोशिश करने के आरोप लगाए जा रहे हैं। पिछले 20 साल पहले जब बीरबल महाराज बहुत ही बीमार थे तब गोपाल मालपानी ने 50,000 रुपए देकर आर्थिक मदद की और उसके बदले 2 एकड़ जमीन 2002 गिरवी रख ली थी। जब बीरबल महाराज की तबीयत ठीक हो गई तो उन्होंने गोपाल मालपानी को अपनी गिरवी रखी जमीन वापस करने की गुजारिश की, लेकिन साहूकार ने जमीन वापस करने से साफ मना कर दिया और साहूकार गोपाल मालपानी ने कहा कि अब वो जमीन का मालिकाना हक मेरा है। ऐसा आरोप कोरपना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में बीरबल ने लगाया है। साहूकार गोपाल मालपानी द्वारा जमीन मांगने पर बीरबल को कई बार मारपीट का शिकार भी होना पड़ा है। साहूकार गोपाल मालपानी से नागपुर मेट्रो समाचार ने मोबाइल पर पूछा तो उन्होंने बीरबल के आरोप में तथ्य न होने का दावा किया और 2 एकड़ जमीन मुझे 20 साल पहले बेची गई थी। हालांकि जमीन हाईवे को लगकर होने से उसकी कीमत ज्यादा होने से बीरबल मुझे बार बार धमकाता है और आत्मदाह की धमकी देता है। कोरपना के थानेदार ने जानकारी देते हुए कहा कि बीरबल महाराज और गोपाल मालपानी का जमीन को लेकर विवाद काफी दिनों से चल रहा है और कई बार बीरबल ने आत्महत्या की चेतावनी इसके पहले भी दी थी मगर ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हालांकि अब फिर से 5 अप्रैल को इसी जमीन विवाद के चलते आत्मदाह की धमकी दी गई है। पुलिस प्रशासन ने इसकी गंभीरता को देखते ही एहतियात के लिए नजर रखी हुई है। मेरा नाम बीरबल छाजूराम गुर्जर रानार कोरपना, वैसे मेरे को संत बीरबल महाराज के नाम से जानते हैं। सर 2002 में मेरे को पैरलिस हो गया, बहुत बीमार हो गया मैं, मेरे पास 1 रुपया नहीं है मैं जी। तो गढ़चंद कोरपने का जगदीश ठाकुर था, वो मेरा दोस्त था, अच्छा इंसान था वो। उसने क्या किया कि उसको मैं भेजा एक आदमी को कि जगदीश ठाकुर को बुलाओ। वो मेरे पास आया, आने के बाद बोला कि महाराज क्या बात है। मैं बोला मेरे को ये बीमारी हो गई और मुझे पैसों की ज़रूरत है। तो बोले मेरे पास तो है नहीं, लेकिन गढ़ चांदूर में गोपाल मालपानी ब्याज से पैसे देता है। तो सर वो गया, उसको बोला गोपाल मालपानी के मैं तो कुछ गहन पत्र रखे बिगर पैसा देता नहीं। तो मैंने उसको जगदीश ठाकुर आके मेरे को वापस बताया कि वो गहन रखे बिगर देता नहीं। तो मैंने कहा ये 2 एकड़ जमीन है मेरे पास, तो वो बोला जमीन है तो चलेगा। दूसरे दिन हमको ले गया, मैं तो बीमार था, जगदीश को ही भेजा और वो राजूरा गया, कागज पत्र दे दिया मेरे खेत के उसको जगदीश को, उसने जाके 50,000 रुपये मेरे को लाके दिया और बोला महाराज तुम्हारी जमीन गहन पत्र रखी है और तुम्हारे को 50,000 रुपये मेरे को लाके दिया। मैं थोड़ा इलाज कराया, थोड़ा अच्छा हुआ, थोड़ा सा फर्क पड़ा। तो फिर हम उसके पास गए, बोला तुमने तो मेरी जमीन को गहन पत्र बोले थे, तुम तो तात्पुरता रजिस्ट्री कर ली। तो ये जगदीश ठाकुर बोला महाराज वो भाई अपना है, तुम फिक्र मत करो। अब उसके बाद उसने लिख के दिया स्टाम्प भाई मेरे पास, आपको देता हूँ सर। उसने क्या बोला, लिख के दिया कि तवा ये मजे वापस पैसे करल तवा याचा नावन में याची जमीन करुण दे, ऐसा स्टाम्प लिखा है। और बाद में वो बदल गया, कितने ही लोगों के संपत्ति को उसने हड़प कर गया। और मैं जब से भटक रहा हूँ, जहाँ वहाँ जंगलों में रहा, कई बार 20 बार मेरे को मार के डाल दिए, यहाँ बेहोश 4-4 घंटे पड़े रहता था। उसके बाद मेरे को होश आया तो ये लकड़ी से ये साइकिल से थाने में जाता था। थाने में जाने के बाद थाने वालों को पैसे खिला देते थे, वहाँ कोई सुनाई, तुम्हारा रोज का झंझट है, हम कब तक तुमको सपोर्ट करें। मैं बोला मेरे को थाने में सरकारी दवाखाने में ले जाते कि नहीं ले जाते, फिर ले जाते थे और ले जाने के बाद में 2-4 दिन वो केस रफा दफा हो जाता था। ऐसे चलते हुए मैं 20 साल से इस दुख को भोग रहा हूँ। अब आगे 5 तारीख को मैंने आत्मदहन का इशारा दिया है कि 5 तारीख तक मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं, और कलेक्टर साहब को आश्वासन दिया है मेरे को कि आपको न्याय दिलाएंगे, SP साहब ने मेरे को आश्वासन दिया। NBC न्यूज़ के लिए चंद्रपुर से सुनील ताड़े की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।